अभिनेता अक्षय कुमार इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म पैडमैन को प्रमोट कर रहे हैं। हाल में पैडमैन और सैनिटरी नैपकिन पर बात करने के लिए सोशल मीडिया पर पैडमैन चैलेंज कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें नैपकिन को हाथ में लेकर फोटो शेयर करना है। इस कैंपेन को लेकर अब द ग्रीन इंडियन लाफ्टर चैलेंज में जज की भूमिका में नजर आने वाली कॉमेडियन मल्लिका दुआ भड़की दिख रही हैं। शो में अक्षय और मल्लिका के बीच काफी तनातनी हो गई थी, जिसके बाद वे अब अक्षय की फिल्म पर अपना गुस्सा निकाल रही हैं। मल्लिका दुआ ने अक्षय कुमार के इस पैडमैन चैलेंज की जमकर धज्जियां उड़ाई हैं। मल्लिका ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालकर अक्षय कुमार के पैडमैन चैलेंज पर निशाना साधा और कहा कि सिर्फ हाथ में सैनिटरी नैपकिन लेकर तस्वीरें डालने से सशक्तिकरण नहीं होता। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा कि हमेशा याद रखो, जिस समय तुम अपने आप को कमजोर महसूस करते हो, जिस समय तुम अपने आप को कम आंकते हो, तब आप सब के बराबर ही होते हैं। मल्लिका ने लिखा, जब आपको बिना किसी कारण के यह महसूस कराया जाए कि आप कमजोर हो, लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। एक सैनिटरी नैपकिन को हाथ में लेकर फोटो को इंस्टाग्राम पर शेयर करना आपको सशक्तिकरण लगता है। आपको बता दें कि मल्लिका दुआ और अक्षय कुमार में पहले भी अनबन की खबरें आ चुकी हैं।